आज मेरे लिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि मैं आज सक्रिय राजनीति में अपना पहला कदम रखने जा रही हूँ। सक्रिय राजनीति कहने का वजह ये है क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जिस परिवार में मेरे बचपन से थिंकिंग जो है, मेरी सोच, मेरी समझ परम पूज्य महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों के विचारों पर टिकी हुई है, बनी हुई है। मेरी पूरी पर्सनैलिटी, थिंकिंग, ये सारी इनके ख्यालों पे निर्भर है। ये अलग बात है कि एक एकेडमिक ओरिएंटेड फैमिली से आके मैं फिल्मों में चली गई और आप सबके बहुत सारे सहकार्य से और लोगों के बहुत सारे प्यार से इतनी बड़ी करियर तय कर पाई, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक सामाजिक तरफ का जो जागरूकता होती है, जो एक हर एक नागरिक में होना ज़रूरी होता है, ये इसकी समझ मुझे बहुत बचपन से मेरे माता पिता से दी गई थी। और मुझे ऐसे लगता है कि जिन लोगों ने हमारी इस लाखों मोलों की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, उन्होंने हमको उससे भी बड़ी एक चीज़ दी है, उसके बाद हमारी आज़ादी के साथ क्या करें उसे समझने के लिए, और वो है हमारा संविधान। ना मैं यहाँ चुनाव के चलते मैंने पार्टी ज्वाइन की है, ना मैं चुनाव के ख़त्म होने के बाद पार्टी से दूर जाने वाली हूँ। आई एम हियर टू स्टे, आई एम हियर बिकॉज आई बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस, आई बिलीव इन वॉट इट स्टैंड्स फॉर। मेरे ख्याल से आज के दौर में, जबकि केंद्र में ये पार्टी सत्ता में ना होने के बावजूद, मैं पूरे जद्दोजहद से, मैं पूरे अपने थिंकिंग, मेरे पूरे जो आचार विचार सबके साथ अगर इस कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहती हूँ। मैंने मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ हाफ हार्टेडली नहीं किया, ना मैं ये करना चाहूँगी, क्योंकि जब आप लोगों के बीच उनकी सेवा करने का अंदेशा लेके जाते हो तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं कहीं जाने वाली हूँ नहीं।